हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी में सैलरी कितना मिलता है एज पर रैंक, हर एक रैंक के लिए कितना कितना सैलरी मिलता है। तो पहले बता दूं कि ये जो ये सैलरी मिलता है हम लोग को, ये सैलरी यूएस डॉलर में मिलता है। और ये सैलरी जो मिलता है ये कंपनी टू कंपनी डिपेंडेंट है, मतलब हर एक कंपनी में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट सैलरी मिलता है, डिफरेंट रेंज का। और ये सैलरी आप किस टाइप के जहाज पे सेल कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड है। मतलब अगर आप बल्क कैरियर पे सेल कर रहे हैं या फिर कंटेनर पे सेल कर रहे हैं या फिर केमिकल टैंकर या फिर ऑयल टैंकर या फिर गैस टैंकर, ये टाइप ऑफ शिप के ऊपर आपके सैलरी डिपेंडेंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हर एक रैंक के लिए आपको कितना एवरेज सैलरी मिलता है, मतलब एक रेंज में बताऊंगा, उस रेंज में आपको सैलरी मिलता है हर एक कंपनी में। तो ये वीडियो देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल में अभी नया है और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो मर्चेंट नेवी में टोटल तीन डिपार्टमेंट होती है, एक डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट एंड सलून डिपार्टमेंट। तो मैं अभी हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग करके रैंक वाइज सैलरी बताऊंगा। तो सबसे पहले डेक डिपार्टमेंट, इससे सबसे लोअर है ओएस 500 से $1,000, एबी का 1200 से $2,000, बोसन का 2000 से $2,500, डेक कैरेट 300 से $700, थर्ड ऑफिसर 2300 से $3,500, सेकेंड ऑफिसर 5000 से $10,000, चीफ ऑफिसर 7000 से $12,000 और कैप्टन का लास्ट में आता है कैप्टन, इनका है $12,000 से $20,000। अभी नेक्स्ट बताऊंगा इंजन डिपार्टमेंट का रैंक वाइज बताऊंगा इसका। इसका सबसे लोअर रैंक है वाइपर, इसका सैलरी है $250 से $800। फिर ऑयलर का $1200 से $1800। फिर आता है फिटर, फिटर का है $1800 से $2500। फिर इंजन कैडेट 300 से $700। फिर आता है फोर्थ इंजीनियर, इनका होता है $2300 से $3500। फिर थर्ड इंजीनियर $3500 से $4000। फिर आता है सेकंड इंजीनियर $5000 से $10,000। फिर चीफ इंजीनियर $12,000 से $16,000। अभी नेक्स्ट आता है आपका सलून डिपार्टमेंट, इसमें रहता है चीफ कुक एंड जीएस। चीफ कुक का $2,000 से $2500, जीएस का $1200 से $2000। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और ये वीडियो सबके साथ शेयर भी कीजिए।